विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान के सभी जिलों में विवेकानंद संदेश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 50 दिनों में सभी 35 जिलों को कवर किया गया और शनिवार को इसका समापन डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के सभागार में हुआ। समापन समारोह में मुख्य वक्ता के तौर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पदाश्री सुश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े रही। निवेदिता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा को औपचारिक समाप्ति है, मगर हमारे जीवन में विवेकानंद के संदेश का आरंभ है। इसके माध्यम से आने वाले वर्षों में संपूर्ण राजस्थान में विवेकानंद के विचारों व भारतीय जीवन दर्शन को जन जीवन में समाप्ति करने का कार्य सभी को मिलकर करना है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पद्मश्री निवेदिता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद व दयानंद आदि महापुरुष स्वयं प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इन महापुरुषों से ही क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिलती थी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने अपने जीवन में प्रत्येक मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित किया है। विवेकानंद संदेश यात्रा के संचालक अशोक खंडेलवाल ने 50 दिन की यात्रा का संपूर्ण वृत्तांत प्रस्तुत किया। अध्यक्षता करते हुए राजस्थान के प्रांत प्रमुख भगवान सिंह ने यह यात्रा को चिरस्थायी रखने और आगामी वर्षों से सभी जिलों में केंद्र की शाखाओं को स्थापित करने का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के सामने रखा। जिला आयोजन समिति के संयोजक अशोक माथुर ने सहयोग के लिए भारत विकास परिषद के जगदीश प्रसाद शर्मा, रामकृष्ण सेवाश्रम के प्रोफेसर OPN कल्ला, NCC के कर्नल बलवीर चौधरी, रॉबिन हुड आर्मी के रजत माथुर तथा अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।